वेलकम बैक टू सुपर एडवांस लेवल ऑफ सीरीज नंबर 51। थीम इज फीलिंग सिक्योर्ड नो मैटर व्हाट। टुडेज टॉपिक इज बिकमिंग ए स्पिरिचुअल फ्लावर। वी वेलकम ऑल डिवाइन सोल्स हु आर प्रेजेंट इन द सेशन। दीदी का भी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने सुना व समझा कि कैसे शिव बाबा की सेवा के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए, कैसे स्वयं शिव बाबा जो सबका सदगति दाता है वह आकर हमें पढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे व समझेंगे कि परमात्मा शिव बाबा हमें खुशबूदार फूल बनाते हैं, कैसे बाबा माली है हमें गुणों और शक्तियों की खुशबू भरकर हमारी जीवन को सुगंधित करते हैं। अब कैसे सुगंधित करते हैं ये हम दीदी द्वारा मुरली से सुनेंगे। आज की मुरली से लिए गए तीन शब्द याद रखने योग्य है, परिचय, परिवर्तन, परमानंद। परिचय, परिवर्तन, परमानंद। जब से हमें शिव बाबा का व शिव परमात्मा का सही परिचय मिला, तब से ही हमारे जीवन में खुशी और शक्तियों, गुणों और शक्तियों का समावेश होना शुरू हो जाता है, और जिससे हमारी कमी कमजोरियां ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। यही हमारे जीवन का पॉजिटिव परिवर्तन हम आत्माओं को परमानंद की अनुभूति कराती है, जिसका प्रमाण हमारे चेहरे और चित्त से सदा खुशी झलकती रहती है, जो अन्य आत्माएं भी रियलाइज करती है। आगे आप दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुलाब भाई। बाबा का परिचय, परिवर्तन और परमानंद। तो जब परिचय होता है तो फिर परिवर्तन होता है, बिना परिचय परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा आज हमको विशेष परिचय कौन सी दे रहे हैं अपनी, कुछ कुछ बातों की जानकारी। तो आज कौन सी बात की जानकारी होगी बाबा के शब्दों में सुनेंगे। अच्छा, कल का होमवर्क तो सबने किया होगा। हाँ, वंडरफुल, वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, मतलब अपना रूटीन तो किया वंदना बहन ने, 4-5 अमृत वेला, फिर नींद, फिर डीटी शुड, हाँ, फिर देवता फीलिंग 9-10, फिर बाबा के साथ ब्रेकफास्ट, वंडरफुल। अब गॉडली स्टूडेंट, वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा रूटीन है। एक ही बहन देव वंदना बहन ने बताया, सभी अपना रूटीन बताते जाना है। हाँ, बहुत अच्छा। तनुज भाई ने बताया कि बहुत कम वेस्ट थॉट्स हुए पूरे दिन में, वेरी गुड। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि बाबा के इससे हमारे सबसे वेस्ट थॉट्स बहुत कम होंगे। जब तक थॉट्स को कुछ होमवर्क नहीं दो ना, जैसे खाली है तो वो इधर उधर चलता रहेगा। यस, ये बेनिफिट आप लोगों ने देखा। ओके, चलते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। तो और भी जो भी देना चाहे चैट में देते जाए, या बाद में हम क्लास के बाद शेयर करेंगे। 2-7 के महावाक्य है साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं।
कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों की, नाउ सी, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं हम लोग को समझ में आता होगा ना कि जैसे ओपनिंग अप, द माइंड इज ओपनिंग अप, ये महसूसता होती है। अब किन बच्चों की बुद्धि का ताला खुलता जाता है बताओ, कौन बता सकता है? माइंड किसका ओपन अप होता जाता है, जैसे बंद था, ताला बंद होने का प्रॉब्लम क्या होता है? अंदर खजाने हैं लेकिन हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि ताला बंद है। अब ताला खुल गया, ये किन बच्चों का खुलता जाएगा? अच्छा, कोई वर्बली भी बता सकते हैं, गॉडली स्टूडेंट्स जो होंगे, याद से और श्रीमत से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जितना याद और श्रीमत, तीन बातें, दो बातें और बाबा ने बताई है, जो श्रीमत पर चलते, फर्स्ट आंसर है, पहला, जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाते ना, अवेकनिंग, जागृति आती जाती है, बुद्धि का ताला खुलना, जागृति, अवेकनिंग। सेकंड, पति पावन बाप की याद में रहते हैं और पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। और ताला खुल गया, इसका मतलब कोई भी ताला खुल गया मतलब जो ताले के अंदर चीजें हैं उसका आनंद ले सकते हैं, इसी को कहेंगे ना ताला खुल गया। तो ताला खुल गया मतलब हम जो हमारे अंदर क्या है, संकल्प है, मेमोरीज है, संस्कार है, दीज आर द एंड द पावर्स, द सोल हैज द पावर्स, इनहेरेंट वर्च्यूज, हम उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे घर में ताला खुलता नहीं है तो आपके पास चाबी होते हुए भी इट्स यूजलेस, यू हैव टू सफर, गर्मी में बाहर सफर करना पड़ता है चाहे अंदर कितने भी एसी हो। तो बाबा का ज्ञान ये चाबी है और ये ताला खुलता जाता है, तो इसलिए बाबा ने कहा हाँ पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ, तो जिनका याद है उनकी ताला खुलता जाएगा, जो श्रीमत पर चलते उनका ताला खुलता जाएगा। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई है, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी, नाउ व्हेन वी आर सिटिंग इन बाबास फॉर एज अ गॉडली स्टूडेंट, तो वी सोल कॉन्शियस एंड लिसन दिस नॉलेज, तो ताला खुलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। ओनली बाबाज याद मीन्स पीस, तो सुख और शांति चाहिए या सिर्फ सुख चाहिए? सभी रिक्वेस्ट को समझते जाते होंगे, हाँ जी, थैंक यू। सभी नहीं समझा, सभी ने रिक्वेस्ट इशारे नहीं समझा, अच्छा, क्योंकि हम आंखों के इशारों से भी बात मुरली सुनते हैं ना। सुख और शांति हमको क्या चाहिए? इट्स अ सुपर बाजार, सुपर मार्केट है,
सुख भी चाहिए, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सब है। तो क्या चाहिए? सिर्फ शांति चाहिए। जैसे दुनिया में भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान शांति चाहिए, भगवान मुझे मन की शांति चाहिए, मन का सुख नहीं बोलते, मन की शांति चाहिए। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? सुपरमार्केट है, दोनों चाहिए, सुख और शांति। हाँ, दोनों इशारे से भी बात कर सकते हैं, एक चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों। अब देखो, ये है सतयुगी आत्माएं। जो सतयुगी आत्माएं होगी ना, उनको इच्छा होगी कि मुझे सब कुछ चाहिए, दोनों चाहिए। और जो परम धाम की आत्मा होगी ना, उनको चाहिए बस मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो तुमको शांति में रहना है, तो अगर सुख शांति चाहिए तो शिव बाबा को याद करो, और अगर सुख चाहिए तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो। देन यू हैव टू रिमेम्बर द फोर साइकल्स। अगर सुख चाहिए तो इसलिए दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्वर्ग वाला इश्यूज, स्वर्ग की बातों में, कई होते हैं ना, क्या करना है फ्यूचर में, स्वर्ग में ये होगा, वो होगा, महाराजा, ये भाई प्रैक्टिकल, अभी मुझे एक फायदा हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दीज काइंड ऑफ सोल्स प्रूव करते हैं कि दे आर नॉट सत्युगी सोल्स। तो सत्युगी सोल्स को सत्यु की बातों में इंटरेस्ट होगा, तो बाबा इसलिए कहते हैं तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने। यहां भल कितने भी कोई में देवी गुण है तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्वेश्चन है। यहां कितने भी देवी गुण है, यू नो व्हाट आर द डिवाइन वर्च्यूज, देर आर लिस्ट है 52 की, लेकिन टू कोट सम ऑफ देम, डिवाइन वर्च्यूज, प्योरिटी, फिर मतलब यूनिटी, फिर हर्षित मुक्ता, चेयरफुलनेस, इंट्रोवर्टेडनेस, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, फिर सिंसियरिटी, लॉयल्टी, इस तरह करके एक्सेप्टिंग नेचर। तो ऐसे करके 52 वर्च्यूज है। अच्छा, लेकिन अगर किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने डिवाइन वर्च्यूज को ह्यूमन बीइंग में होंगे, या है कोई आपके कांटेक्ट में? प्यूरिटी भी है, रॉयल्टी भी है, यूनिटी भी है, नहीं है। तो बाबा कहते कोई बहुत अच्छा भी है यहाँ, कैन वी से दे आर डेटी यर इन कलयुग में? कोई बहुत अच्छा है तो डेटी है? नहीं है। क्यों? वो देवता नहीं हो सकता है। अच्छा कोई है, वो केवल अच्छा ही देवता नहीं है। देवता का मतलब है कि जिसमें एक तो देवी गुण और पवित्रता की पैदाइश, जिसकी पैदाइश योग बल से है, वो देवता है। केवल डिवाइन वर्च्यूज की बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है? ये भी भारतवासी जानते हैं। जो देवता है सत्युग में राज्य करते थे, तो जो देवता है सत्युग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहां भी जाते तो जाकर वहां मंदिर बनाते, विदेशों में यहां से चित्र ले जाते हैं ना, भारत से,
और फिर वहां जाकर मंदिर बनाते। तो हर एक धर्म वाले कहां भी जाते तो अपने चित्रों की पूजा करते। अच्छा, जिन जिन गांवों पर विजय पाते वहां चर्च आदि जाकर बनाते। पहले कैसे रिलीजन स्प्रेड कैसे होता था कि जहां जहां वो जो जो विलेजेस में जाते हैं वहां वो राज्य करते हैं। दे डिफीट द विलेज सो दे टेक द किंगडम, और फिर वहां फिर क्रिश्चियनिटी। ईस्ट में साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड जाओ, क्रिश्चियनिटी बहुत है। इनफैक्ट मंदिर वहां है ही नहीं, नागालैंड में चर्चेज ही ज्यादा है। पता होगा ना आप लोगों को, सिर्फ चर्चेज है वहां। शायद एक आध मंदिर होगा। पूरा स्टेट नागालैंड तो पता है ना, फुल पूरा स्टेट है। तो पूरा बाप्टिज्म कन्वर्जन, हाउ दिस ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग, कन्वर्जन। और कन्वर्जन भी कैसे किया था, ब्राइब। द रीजन फॉर कन्वर्जन वॉज ब्राइब। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म वाले कहां भी जाते तो अपने चित्रों की पूजा करते। तो हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उनों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते तो जानते कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन अथवा बौद्धी है। ये हिंदू लोग, अब देखो बाकी सब रिलीजन वो जानते हैं कि वी बिलोंग टू विच रिलीजन, लेकिन हिंदूस अपने रिलीजन को जानते। एंड दे एंड हुमेवर दे वर्शिप द धर्म स्थापक हिंदुइज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट बी नोइंग, इज इट अ रिलीजन? हिंदुइज्म इज इट अ रिलीजन? इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ कल्चर। तो और फिर वो देवी देवताओं को पूछते हैं, उनको पता भी नहीं कि ये क्या हमारे धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को ही मानते हैं क्रिश्चियंस, बुद्धा को ही मानते बौद्धी, तो वो उनके धर्म स्थापक है। सो व्हाई हिंदुइज्म बिलीव इन द देवी देवता? या तो धर्म स्थापक को माने ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। और जो उस रिलीजन को बिलोंग करते थे, देवी देवता धर्म, उनको वो मानने लग गए। हिंदुइज्म इज अ कल्चर, संस्कृति, कहते हैं ना हिंदू संस्कृति। एंड व्हाट इज कल्चर? व्हाट इज कॉल्ड अ कल्चर? इट्स अ स्टाइल, कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स। या इट्स अ वे ऑफ लाइफ, दैट काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ। सो इट्स नॉट अ टीचिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म। अच्छा, तो बाप कहते हैं क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को ही मानते हैं। सभी वीडियोस जो रेगुलर वीडियोस ऑन करते, आज कैसे वीडियो नहीं ऑन कर रहे सभी? फिर वो इंटरेक्टिव नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड वनिता बहन, बाकी सब गायत्री बहन वीडियोस ऑन कर ले सभी। तो बाबा कहते हैं और धर्म वाले पूजा करते तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। भारतवासी को तो ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है और वो किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते हैं भारत आका आदि सनातन। तो एक्चुअली एट द मोस्ट यू नो व्हाट द हिंदू से कि हमारा कौन सा धर्म है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिलीजन? पता है वो सब मंदिर जिनके नाम बने हैं, एट द मोस्ट वो यही कहते हैं कि हमारा सनातन देवी देवी धर्म है, ब्रह्मा जी और सनातन धर्म, दैट्स व्हाट दे से। सनातन धर्म बस। लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? सनातन मतलब चला आ रहा है, आदि सनातन क्या है देवी फुल नेम ऑफ दिस रिलीजन? देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसका पूरा नाम ये है। तो बाबा कह रहे हैं तो ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। ये अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है,
अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सत्युग में नहीं समझेंगे। इस समय तुमको समझ मिलती है, पुरानी और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। देखो बाबा के ज्ञान से हमें कितने कितने डिस्क्लोजर्स मिले। नई दुनिया के बारे में पता था? कुछ पता ही नहीं था। सत्युग है ये तो पता था, लेकिन नई दुनिया है वो ये पता था? ये नहीं पता था। और क्योंकि वो नई दुनिया का पता नहीं था, तो ये पुरानी दुनिया ये भी नहीं पता था। दिस इज एन ओल्ड वर्ल्ड एंड देयरफॉर देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि कैसे हो रहा है वापस इतना, क्योंकि पुराना है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो बाबा कहते पुरानी और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। सी व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ जस्ट नोइंग द वैल्यूज एंड सेकंड नोइंग द ओवरऑल, पुरानी दुनिया क्या है, कैसे सत्युग में स्टेटस होते हैं, कैसे रिलीजन स्प्रेड होते हैं, कैसे वो आत्माएं ऊपर से आती है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग ऑल दिस एंड जस्ट नोइंग द वैल्यूज एंड व्हाट टू डू इन दिस करंट लाइफ। एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट टू डू नाउ, व्हाट इज प्रैक्टिकल। और एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये पूरा पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट if you know everything or if you know just this of current life? Maybe when you know the rewards, then you work harder towards them. When you know the rewards, you work harder. Okay. When you know the goal is so beautiful, then if you work harder, you'll work harder. Right. Wonderful. We have a larger perspective of the entire time cycle and the eternal life, and then we don't think ki humko jo bhi karna hai, it's only hum finite terms mein nahi sochenge, fir we will think in terms of eternal things. Wonderful. Then we'll be more conscious of our what we are doing today. Right, this is the accurate ki puri samajh milne se, it's like knowing the whole film, to kya ho jayega, you will have a right judgment, kyunki pura pata hai starting se end se ye. और खाली ये पता है तो उसमें फिर एकदम एक्यूरेट जजमेंट नहीं आ सकती हमारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कई हमको कहते हैं कि बस मुझे ना शिवानी बहन का बहुत अच्छा लगता है आपका मीडिया में जो आता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ज्यादा, और कुछ वो डीपर जाती नहीं है। और मुरली सुनने से अब क्या लगता है, क्या फर्क लगता है आपको? मुरली सुनो तो कितनी गहराई है और कितना बड़ा पिक्चर है। वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल फाइनली अभी के लिए करना है, बट अनलेस एंड अंटिल आई नो द होल थिंग, आई वोंट हैव अ जस्टिस टू डू द करंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं, but didi jo sister shivani hai, she is also like your face of the brahma kumaris to the world, but she also says, because I remember listening to one episode, ki please do a 3 months experiment, aap apne nearest center pe jaiye, who did it, to main unke hi ye words se inspire hokar center ko dhunda tha aur wo sab kiya tha, right. But he doesn't, sabhi lekin sabhi itne take a stop at me, she tells you to go to the center, right, right, she does tell that is obviously, but then many times what happens, people would just stick to that play thing na, ki yes we want to know what is the current, kabhi kabhi ye ho jata, so obviously no sister in VKs would stick to themselves, everyone wants to connect to the murlis only, because baba se connect murli ke karan hoga, chahe wo waise hum kitna bhi sun le kisi bhi bhai behan ka, unka acha lagega, lekin baba se jab tak, इट्स लाइक जिसका आप सुनोगे उससे कनेक्ट होंगे। हम मनुष्य आत्मा का सुनेंगे तो मनुष्य से कनेक्ट होंगे, शिव बाबा का सुनेंगे तो शिव बाबा से कनेक्ट होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया और हाँ बाप ने समझा ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? बाइस्कोप मतलब फिल्म, ये क्यों बने हैं?
क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज है, बच्चे भी समझ सकते, ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे। अब देखो साइंस के संस्कार लेकर कैसे होगा, बुद्धि में बाबा ने कहा साइंस के संस्कार ले जाएंगे अभी, जो फिर वहां काम में आएंगे। सत्युग इज नॉट अ मैजिक, जो भी यहां से हम संस्कार लेकर जाएंगे वो सत्युग में काम आएंगे। तो बाबा ने कहा दुनिया को एकदम खत्म तो नहीं हो जाती है, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते, तो साइंस के सारे संस्कार वहां यूज होंगे सत्युग में, साइंस के संस्कार। तो उसमें बाबा ने क्लियरली कहा विमान आदि भी बनाते हैं, दो चीज दो साइंस के संस्कार वहां काम आएंगे। वन, एक तो विमान आदि बनाना, बिकॉज वो पूरा रिफाइंड साइंस यूज होगी वहां, जो डिस्ट्रक्टिव साइंस है वो यहाँ विनाश हो जाएगी और जो कंस्ट्रक्टिव साइंस है वो वहां यूज होगी, इसलिए वहां केवल रिफाइंड साइंस होगी। तो विमान आदि भी बनाते, जो जो काम की चीजें वहां के लायक वो बनती है, स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएगी, भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। तो हाँ विमानों की बिजली आदि की दरकार रहेगी। सो वी सोल्स, हम सभी, इसलिए हम सभी विंग्स की सेवा करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे वो साइंस है, सब विंग्स की सेवा होती है। और फिर वो आत्माएं हमको फिर उसमें से कोई बाबा के बच्चे बन जाते और वो फिर आत्माएं सत्युग में जाएगी। ऐसे ही तो कोई हम हायर नहीं कर सकेंगे ना सत्युग में, एनीवन हु डोज नो द टेक्निकल साइड विल कम टू सत्युग, नहीं। सत्युग में अपने ही जो ज्ञान ले चुके उन्हीं के संस्कार वही जाएंगे और उनके वो नॉलेज काम में आएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये इन्वेंशन निकालते रहते हैं। तो हाँ विमानों की बिजलियों की दरकार है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वहां होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, रंजना बेन आपका तो बहुत काम है वहां, इंजीनियर का और आर्किटेक्ट का बहुत काम है वहां, क्योंकि मकान बनाना है, विमान बनाने हैं, बिजली का भी काम है, बहुत काम है फिर तो। इसलिए बाबा ने चूज किया, ऐसो को चूज करता है बाबा, इसलिए हम लोगों ने आर्किटेक्ट्स है इंजीनियर्स का प्रोग्राम रखा था कि कौन से बाबा के बच्चे मिलेंगे हमको ताकि जो सत्युग में काम आए। तो बाबा कहते हैं वहां से बच्चे सीख कर आते हैं, ये इन्वेंशन निकलते रहते हैं, तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे, पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, हम नरक में है, यह नहीं समझते कि हम नरक में है, बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। तुम बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबर वार ताला उनका खुलेगा, ये ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बस बाबा ने कहा मुझे करना है, दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग श्रीमत, और पतित पावन बाप को याद करेंगे, बाप ज्ञान भी देते, जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे, टीचर से और पढ़ाई से योग, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही नहीं है, जानते बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते क्योंकि नई बात है ना। वैसे होता है ना कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो टीचर फर्स्ट हो जाता है, पहले मम्मी डैडी सब कुछ थे, फिर स्कूल जाने के बाद क्या होता है, टीचर, टीचर ने जो कह दिया
फिर मम्मी डैडी सेकेंडरी, तो हमारा भी क्या है, और नया नया स्कूल है ना, हम सभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो जो बाबा ने कहा, जो टीचर ने कहा, बस मुझे करना है, ठीक है ना तनुज भाई, जो टीचर ने कहा, क्योंकि नए नए उसमें पूरा टीचर इतना, मम्मी मम्मी ये कह दी कि ऐसा नहीं, नहीं मेरी टीचर ने ऐसा कहा है, मम्मी चाहे कितना भी लॉजिकली बता दे नहीं चलेगा, तो बाबा कहते हैं, तो उस पढ़ाई में तो योग रहता है, जानते हैं टीचर जरूर पढ़ाएंगे, तो यहाँ बाप पढ़ाते, ये भी भूल जाते, क्योंकि नई बात है ना, देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई है। अब सोल कॉन्शियसनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बाप तो जानते हैं हम परमात्मा है, विल्स्ट डूइंग एवरीथिंग कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ डायमंड एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, उस फीलिंग में। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अब जैसे हम सब कुछ करते, मैं माँ हूँ ये याद रहता है, मैं मतलब अपनी अपनी जो ड्यूटी है या एक अपना जो डेजिग्नेशन है वो भूलता है, दादा बन जाते दादी बन जाते तो कैसे याद रहता है इमीडिएटली, तो अब इट्स लाइक लिखा कहीं नहीं है, बट हम सोचते मैं ये हूँ बिकॉज ए फीलिंग है, सो आई एम अ मदर इज अ फीलिंग, लिखा है कहीं कि यू आर अ मदर, एक ही व्यक्ति किसी के लिए मदर है, किसी के लिए डॉटर है, किसी के लिए बुआ है, किसी के लिए चाचा है, चाची है, तो एंड तो जैसे ही वो चाची वाली आती है तो उसके सामने वो चाची बन जाती है, आंटी बन जाती है, उसके सामने वो ग्रैंड मदर बन जाती है, कहीं लिखा नहीं है बट उसके लिए, तो शी दैट अदर पर्सन सीज हर इन द सिस्टर फॉर्म, शी सीज हर इन द सिस्टर फॉर्म, द अदर पर्सन सीज हर इन अ मदर फॉर्म, वो उसको बच्चे की तरह देखती है, इसी तरह सोल की फीलिंग आ सकती है, सोल ऑल्सो इज अ फीलिंग, और सोल तो फीलिंग भी नहीं, रियलिटी है कि मैं आत्मा हूं प्योर। नाउ तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ, ये सभी कौन है, बहुत बार हम जो सामने डेजिग्नेशन होता है, एजुकेशन होता है, वी आर मोर पर्टिकुलर अबाउट दैट कि ये इंजीनियर है, इसको इससे बात कर रही हूँ, ये मिनिस्टर है, ये चेयरमैन है, तो अब कैसे वो फीलिंग जाके आत्मी फीलिंग आए, व्हाट इज कॉल्ड आत्मा की फीलिंग, सोल की फीलिंग का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एनी पर्सन हु इज अ फिगर कॉन्शियस, एनीवन हु इज अ फिगर कॉन्शियस, तो व्हाट विल हैपन कि जितना उसको मतलब कोई भी बात में ऑलवेज वो फिगर के बारे में वो ही इज कॉन्शियस कि जैसे ये मत खाओ वो मत खाओ, क्यों, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा, फिगर कॉन्शियस होता है, होता है ना, सभी सबको पता है, एंड इट इज बैक ऑफ द माइंड है फिगर कॉन्शियस वाले का, एंड सो मच सो पर्टिकुलर की जो खुद फिगर कॉन्शियस होता है उसका जो दूसरे के प्रति अटेंशन भी होता है तो कहाँ जाता है, श्योर, हाँ देखो सभी हाँ कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली फिगर पे जाता है बिकॉज देमसेल्व्स आर वेरी कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस। अब कैसे दूसरों के प्रति अटेंशन सोल के प्रति जाएगी, so if I am, so for the figure conscious, do I have to be very particular about my figure, or I can just see others figure only, am I particular about my figure when I'm figure conscious,
अपना तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है ना, फिर दूसरे के प्रति ध्यान जाता है। इसी तरह जब मैं समझूंगी मैं डायमंड हूं, मैं पावरफुल सोल हूं, तब मुझे ऑटोमेटिकली दूसरे के प्रति, सोल के प्रति जाएगा। एंड अब नाउ इट इज फिगर, तो फिर भी फिजिकल है। सो फिगर कॉन्शियस डजंट मीन कि जस्ट आई सी द फिगर, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो फिगर से कनेक्टेड है वो हमको याद रहता है। जैसे खाना क्या है, पहनना क्या चाहिए, खाना क्या चाहिए, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है ना फिगर, मीन्स आई एम फिगर कॉन्शियस। इसी तरह आत्मा का मतलब, सोल कॉन्शियस का मतलब क्या होगा, जैसे मैं किसी को देखूंगी ना, ये आत्मा है ना, इसका ये क्वालिटी क्या है। अभी आत्मा सहन नहीं कर सकती है तो बिचारी वो आत्मा की कैपेबिलिटी उतनी है। तो व्हेनेवर आई सी एनीवन आई विल अंडरस्टैंड द रीजन फॉर देयर लिमिटेशन, कि बिचारी वो नहीं कर सक रही है ना। अब जैसे सतयुग में किसी को दासी पद मिलना है तो उसका कैसा होगा यहाँ का बिहेवियर, उसको दासी मिलना है वहां, अब ऑटोमेटिक उसका यहाँ क्या होगा कि नॉट सो एक्साइटेड, ज्यादा पुरुषार्थ करेगी नहीं, बोलेगी बस मुरली सुनना है काफी है, बस पूरे दिन मुझे कुछ नहीं है। तो उस आत्मा का इतना अटेंशन खुद के ऊपर होगा नहीं, तो समझ जाएंगे ना कि ये दासी बनने वाली है। तो when I see the soul, I will understand the limitations and therefore I'll accept the limitation. तो this is called soul consciousness. दूसरा उस आत्मा का पार्ट है, तो इसलिए soul का मतलब हुआ, soul consciousness का मतलब इतनी सारी बातें हैं। सबसे पहले वो आत्मा क्या है, मैं आत्मा मतलब मैं शांत स्वरूप, I know the particulars about the soul. So, like those who are figure conscious, they know क्या weight होना चाहिए, waist का क्या weight होना चाहिए, मतलब size होना चाहिए, इसका क्या size होना, मतलब everything they know ना। तो particulars about the soul. Second, detailing about the soul. कि क्या क्या हर आत्मा का, कोई ब्राह्मण आत्मा है, कोई शूद्र quality है, I will know the detailing. तो detailing about. अच्छा, when talking तो लगेगा soul. अब जैसे प्रधानमंत्री से उसकी मदर बात करती है तो क्या फीलिंग आती है, बेटा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है, फर्स्ट फीलिंग क्या होगी, बेटे की फीलिंग होगी। तो इसी तरह I might be talking to a minister, but आत्मिक वृत्ति। सेकेंड, तो सोल की सोल की वृत्ति की आत्मा बोल रही है, बिचारी ये आत्मा है, और सोल दृष्टि, आत्मिक दृष्टि और अपनेपन की फीलिंग। दादी व्हेन यूज्ड टू जब हिज एक्सीलेंसी फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे, तो गुलजार दादी जाती थी कभी कभी राखी पे, जैसी दादी को देखता था वो, दादी को ऑलवेज वो अपनी सीट से उठकर दादी को अपने सीट पर बिठाता था, गुलजार दादी को। तो क्या क्या फीलिंग है, और दादी को मेरा भाई, मेरा भाई, ये फीलिंग होती थी दादी को। तो सोल की फीलिंग मतलब ब्रदरली, मेरा अपनापन की फीलिंग। एंड देन नोइंग द फोर वर्ण, कि ये ब्राह्मण आत्मा है, ये वैश्य आत्मा है, ये शूद्र क्वालिटी, शूद्र क्वालिटी आत्मा कैसे होगी, जो शूद्र क्वालिटी होगी वो आत्मा ही कैसी होगी, आत्मा है लेकिन शूद्र क्वालिटी है जो कलयुगी आत्मा है। और सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा की क्वालिटीज पता है,
कि आत्मा का पार्ट इम्पेरिशेबल है. तो व्हाट डज आत्मा का पार्ट इम्पेरिशेबल मीन? आत्मा का पार्ट इम्पेरिशेबल है, इसका मतलब क्या होगा? इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो जितना भी हम लोग आत्मा में रिकॉर्डिंग जाएगी वो चलता जाएगा आत्मा में. आत्मा का पार्ट है, ये कभी घिसेगा नहीं. यस, तो आत्मा का पार्ट इम्पेरिशेबल मतलब सारे पार्ट रिकॉर्डेड है. अगर आत्मा पेरिशेबल है, ये तो हम सभी मानते हैं आत्मा इम्पेरिशेबल है. व्हाट इज इम्पेरिशेबल? जो उसके अंदर जो चीज है वो इम्पेरिशेबल है. तो मेमोरी इज इम्पेरिशेबल है, इसलिए जब जब वो टाइम होता है उस अकॉर्डिंग वो पार्ट प्ले करती है. कई बार हम सोचते हैं पहले क्यों नहीं पता, उस समय पार्ट ही नहीं था. ब्रह्मा कुमारीज में जब अभी ज्ञान मिला हमको लगता होगा ना कि अगर ये पहले पता होता तो. किसी को लगा ये कि ये ज्ञान हमको पहले मिलना चाहिए? हाँ. तो दिस इज कॉल्ड कि उस समय जब 30, जैसे वो एक घंटे का है ना, तो 30 मिनट्स में आने के बाद ही तो 30 मिनट्स वाला पार्ट प्ले हो जाएगा, बीच में नहीं हो सकता. दिस इज कॉल्ड आत्मा का पार्ट. तो आत्मा समझना मतलब हमको सबके पार्ट को समझना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, जब उसका पार्ट होगा, हम बहुत बार किसी को कहते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है. अब कैसे उसमें आत्मिक दृष्टि रखे? यू हैव एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. कैसे आत्मिक दृष्टि रखे? वी कैन हैव कंपैशन दैट उसकी रिकॉर्डिंग उसी टाइम के बाद ही स्टार्ट होगी. वंडरफुल. जब उसका पार्ट होगा समझने का, आज आपने समझाया, फाइन, आपका पार्ट था उसको समझाना, फिनिश. उसके रिकॉर्डिंग में जब वो समझने का होगा ना, तभी वो समझेगा. दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस. हम क्या सोचते कि उसका पार्ट भी मेरे कंट्रोल में है? कितनों के पार्ट हमने अपने कंट्रोल में रखे हैं? है कोई सोल्स जिनके सारे के पार्ट हमने कंट्रोल में रखे हुए हैं? सोच अंदर, चाहे एक्चुअली तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अंदर रखे कंट्रोल में कि ये है ना, मेरे बोले वैसे करे, मैं चाहूं वैसे करे. दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग द पार्ट. बस तुम अपना पार्ट, क्योंकि मैं अपने पार्ट के ही कंट्रोल में, उसके पार्ट के कंट्रोल में, मेरे पार्ट के कंट्रोल में कोई और है? तो उसके पार्ट का कंट्रोल मेरे पास नहीं है. That means, दीदी, जिसने इम्प्रूव होना है, चाहे हम चाहे अदर्स, वो ही इम्प्रूव होंगे, और जब होना तभी करेंगे. So we exactly. need not become tension. इसलिए के जब होना है तभी होना है, कितना बड़ा रिलीफ है. नहीं तो होना तो वैसे भी नहीं है और हम पकड़ के बैठे. ट्रेन तो चलेगी अपने टाइम पे ही. तो इससे रिलीफ हुआ या टेंशन हो गया? रिलीफ हो गया ना. तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं भाई भाई है, इसको कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस. सो नोइंग अंडरस्टैंडिंग, व्हेन वी से आई एम अ सोल, तो ये सारी बातें आनी चाहिए क्लियर माइंड में कि यस, ये आत्मा ब्रदर है, इसका पार्ट अपना है, मेरा पार्ट अपना है. मैं इसके पार्ट, ये मेरे पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं इसके पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती. तो इस तरह से, और हर आत्मा का बेसिक क्वालिटी सुख शांति है. व्हाट इज कॉल्ड, आखिर तो आत्मा है, मतलब आत्मा मतलब ही उसके अंदर सुख शांति का गुण है. वो अलग बात है, उसने एक्टिवेट नहीं किया. तो ये समझना, तो बाबा ने आज सोल कॉन्शियसनेस पे बात करी है कि आत्मा को ये सुनाता हूं, हमारा बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं, यह है बिल्कुल नई बात. तब दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो. मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूं,
मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ बस फुल स्टॉप. मैं बेस्ट अपना पार्ट प्ले करूँ फुल स्टॉप. दूसरा मेरे अकॉर्डिंग करे. इसलिए जब हम आत्मा की अच्छी तरह से समझ होती है तो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट कौन सा गुण इजीली आ जाता है जब आत्मा की बहुत अच्छी तरह से समझ होती है. एक्सेप्टेंस एंड नो एक्सपेक्टेशन. जब तक पूरा 84 जन्म का पता नहीं है, जैसे हमने सुबह की क्लास में भी बताया, मनमोहिनी दीदी ने एक बार ये मधुबन में जब भी सेंटर पे मधुबन में बांटते हैं ना, तो सब को एक एक देते हैं. जैसे संतरे दे रहे थे तो सबको एक एक दे रहे थे. एक बहन ने कहा मुझे 8 संतरा चाहिए. अब दीदी को थोड़ा हलचल हुई कि भाई 8 क्यों, सबको एक मिल रहा है. तो उसने ब्रह्मा बाबा को बोला, साकार बाबा को, कि बाबा ये तो मतलब थोड़ा वो ये हो जाता है ना, क्रोध में होता है ना थोड़ा इरिटेट, कि देखो ये तो 8 मांग रही है. बाबा ने कहा तुम्हारी शक्ल क्यों चेंज हुई. उसने तो मांगा, बोला बच्चे उसको दे दो, वो जो मांगती दो. बाबा ने फिर बाद में समझाया दीदी को कि बच्चे ये राजधानी स्थापन होनी है. फिनिश. राजधानी का मतलब, तो ऊपर की बालकनी की लाइट क्यों खोल देती है, रात को पता लगता है हमारा पूरा दिन बिजली. राजधानी का मतलब क्या है, राजधानी का मतलब हर आत्मा का नहीं पता. राजधानी मतलब बाबा हमेशा कहते बच्चे राजधानी स्थापन होनी है. राजधानी वो कैपिटल नहीं है. हर आत्मा सतयुग में राजधानी है, किंगडम है. मतलब कोई राजा बनेगा, कोई महाराजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा. तो जो दास दासी बनेगा उसका क्या होगा, तो वो तो मुरली वो रोज सुन रही होती है, लेकिन उसके पास जमा का खाता नहीं है, क्योंकि वही यूज करेंगे ना वहां जमा का खाता. तो उस आत्मा ने यही अभी सारा प्रारब्ध यूज कर लिया, तो उस ये आत्मा भी खा रही है, खाने दो, कोई बात नहीं, राजधानी होगी ना वहां. Why I need to worry about anyone's part or question about anyone's part? This is called soul consciousness. तो बाबा ने कहा कि हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ, यह बिल्कुल नई बात. तुम दूसरे को पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो मंजिल है ना. बुद्धि में ये याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ. अब देखो, अब मैं आत्मा अविनाशी हूं, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूं. हम आत्मा पार्ट बेस्ट प्ले करेंगे. आत्मा अभिमानी डजंट मीन नोइंग द पार्ट ऑफ द सोल डजंट मीन कि वी विल स्टॉप एक्सप्लेनिंग, लेकिन वी विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग, नॉट स्टॉप एक्सप्लेनिंग. So I do my part of explanation only to a limited extent, not कि करते रहो. उसके चेंज होने के लिए नहीं हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं हमारा फर्ज है इसलिए. See, तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है. उसको चेंज करना है नहीं करना, that is not under my control and that is not my cup of tea also. तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ. तुम आत्मा शुद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे. देखो आत्मा अभिमानी मतलब ये पूरा पैराग्राफ आत्मा अभिमानी का है, आप सभी पढ़ना जरूर वापस. आत्मा को ही समझाते, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है. ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है. आधा कल्प तुम देह अभिमानी में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है. अपने को आत्मा चाहिए निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो.
तो मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। अब जैसे हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपना अपना जो पार्ट है उस अकॉर्डिंग ही तो पढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है कि मुझे अपना पार्ट बेस्ट प्ले करना है, वो वाला फोकस होता है। एक रनिंग रेस में वन इज टू फोकस ऑन हाउ टू रन, मैं कितना फास्ट रन करूं, और एक है दूसरा कैसे रन करता है उस पर भी फोकस करो। तो क्या क्या एडवांटेज या क्या डिसएडवांटेज है? जब दूसरा जो रन करता है कैसे रन करता है उस पर भी फोकस हो जाए, तो क्या से डिसएडवांटेज हो जाएगा? या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है। हाँ, तो क्या डिसएडवांटेज है इसमें, क्या होगा? मतलब अपना फोकस, यस, तो अपने प्रति अटेंशन कम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के पार्ट पर फोकस करना मतलब मेरा पार्ट लूज हो ही जाएगा। इसलिए कई बार हम सोचते ये नहीं करता, उसके टेंशन से अपनी स्थिति खराब हो जाती है, अपना पार्ट खत्म कम करते। आत्म अभिमानी का मतलब है ये है पूरा, उसकी लिमिटेशंस को समझते हुए अपने पार्ट पर फोकस करना, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा हाँ, काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते जो विक्रम किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि जो भी विक्रम किए इस जीवन में वो बाबा को बता दो, तो बताने से आप क्या हो जाएगा, बाबा माफ तो करेगा नहीं, वी ऑल नो, लेकिन हम लाइट हो जाएंगे। पेरेंट्स को सच्चाई बताने से क्या हो जाता है कि हम लाइट हो जाते हैं, तो बाबा माफ नहीं करेगा, दैट्स ऑफ श्योर, लेकिन हम लाइट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो बाबा ने कहा कि और अच्छा कौन सा विकार बताओ, आवाज कट रही है सुषमा, हाँ आवाज कट रही है। तो बाबा कहते हैं बाबा 50% माफ करता है ना? नहीं, 50% नो कंसेशन, ये बाबा कहता है, कंसेशन कुछ नहीं है, 50% का भी नहीं है कंसेशन, वो ऑफर no, बाबा सेज ना मुझे बताने से नहीं, बाबा आधा माफ हो जाता है, लेकिन बच्चे आधा माफ हो जाता है, लेकिन अगर वो माफ तब हो ना जब वो वापस नहीं रियली रिपीट करे, वैसे बताए, खाली माफ करने के लिए 50% नहीं कट हो जाएगा कि बताते जाओ और करते जाओ। हमने कहा कि बाबा मैंने क्रोध किया, प्लीज सॉरी, ठीक है, आर वी श्योर कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई विल नेवर बी एंग्री? हाउ मेनी ऑफ अस आर वेरी श्योर? तब तो 50% no. स्कीम लागू हो जाएगा। आवाज आपकी कट रही है, क्लियर नहीं है, इसलिए बाबा ने एटलीस्ट चेक्स ना कि ओके यू आर ट्राइंग और फिर भी आ गया, वाज नॉट डेलिबरेट। नहीं नहीं, डेलिबरेट क्या है, कौन, एवरीथिंग इज डेलिबरेट, नेचुरल तो कोई है ही नहीं ना, खाली ओरिजिनल संस्कार नेचुरल है, बाकी तो सब डेलिबरेट है, बिकॉज वो संस्कार बहुत समय से हम क्रोध का यूज कर रहे हैं, हमारे वो नेचुरल हो गए, बाकी तो ये नहीं है। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा ना, बाबा माफ नहीं करता। एक पेरेंट है, उसके बच्चे है, एक को माफ करेगा तो सबको माफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कि एक दो को चलेगा, दो तीन चार बच्चे आपके, एक को माफ करो चार तीन को मत करो, ऐसा हो जाएगा? तो किस किस को माफ करेगा वो पूरे संसार में? He doesn't forgive। हाँ, आप हल्का फील करेंगे। अच्छा, बाबा ने मेन इसमें ये कहा कि जो भी गलत कर मैंने अभी तक किए वो सारे बाबा को बता दो,
जो भी इम्प्योरिटी के भी जो गलत कर्म हुए हैं वो भी बाबा को बता दो। तो इम्प्योरिटी का मतलब हो गया, बाबा ने कहा इट्स अ बॉडी कॉन्शियसनेस में आके जो भी हमने कर्म किए वो सारे गलत है। जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आके हमने कभी बोला, कभी खुद के ऊपर भी हमने बहुत अटेंशन दिया बॉडी के ऊपर, दूसरा इट इज एन अननेचुरल फीलिंग टू द सोल बॉडी कॉन्शियसनेस, तत्व भी इम्प्योर है और इट्स अ बैड क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सब भी बाबा को बताना है। जब हम कहते बाबा को बताना मतलब ये सब बताना। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्य समझते तो बाप को ही कहते हैं ना पतित पावनाओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वालों को ही कहा जाता है। तो जो भी विकर्म किए है वो बताओ, इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं पतित पावनाओ क्योंकि पतित विकार में जाने की बात है। बाप बच्चों के ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है, वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट बाबा ने बताया कि आसुरी ये ये इस वर्ल्ड में बिकॉज तत्व ही भी इम्प्योर है, देवताएं अभी आ नहीं सकते। कई व्हाट्सएप मैसेजेस या यूट्यूब में आ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कोई बीकेजी तुम हमको गुमराह कर रहे हैं। बाबा क्लियरली समझ लो ये आसुरी पूरी वर्ल्ड है, इम्प्योर वर्ल्ड में प्योर देवताएं। शरीर कैसा चाहिए देवता को? पवित्र। तत्व शरीर किससे बनता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अभी प्योर है तो अभी देवताएं जन्म ले सकते हैं। सो नेवर कम अंडर एनी सच रॉन्ग लाइक ग्रुप में आता है कि मैसेज आ रहा है कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया। नहीं, आज बाबा ने क्लियरली कहा पतित सृष्टि में आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती, ये तो पांच तत्व भी बदलने चाहिए, जबकि कल्प ही 5000 वर्ष का है। तो सिर्फ कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? मनुष्य समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े और बाबा कहते हैं नहीं, क्यों नहीं 5000 वर्ष ही हो सकता है? क्यों? दिस कल्प की आयु ज्यादा नहीं हो सकती। नाउ व्हाट यू विल गिव आंसर्स? आप लोग को तो कन्विंस हो गया, व्हाट आर द आंसर्स? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिमिटेशन है। कल्प की आयु 5000 वर्ष का मतलब क्या है? आत्मा की मैक्सिमम कैपेसिटी मेमोरी की कितनी होगी? 5000 इयर्स, 84 बर्थ्स, उससे ज्यादा आत्मा की कैपेसिटी नहीं। एक कैपेसिटी की भी मेमोरी की भी तो लिमिट होती है कि अनलिमिटेड होती है मेमोरी? तो आत्मा की मेमोरी की लिमिट ही 5000 है, उससे ज्यादा नहीं। एंड देयरफॉर पूरी कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो 40,000 वर्ष वाला कंसेप्ट रॉन्ग है। तो हम अच्छा, फिर बाबा ने कहा नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा है। नई दुनिया 50%, पुरानी दुनिया 50%। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके। स्वास्तिका में चार भाग देते हैं, समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है, कृष्ण का तो गायन हुआ ना, क्योंकि उनको महात्मा कहते छोटा बच्चा। छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं क्योंकि सत्व प्रधान अवस्था है छोटा, विकार की बदबू नहीं है, प्योर सोल है ना। छोटे को विकार भी कुछ होता है, कुछ पता ही नहीं, वाइसेस।
तो बाबा कैसे क्या कहना चाह रहे, बच्चे तुमको इतना प्योर बनना है कि वाइसेस भी कुछ होता है ये बताना। बड़े होने तो बाबा कहते हैं ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपने आंखें निकाल दी। विकार मतलब इम्प्योरिटी मतलब लस्ट, ये कहां से आता है, कौन सी कर्मेंद्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्योरिटी है, आंख। इसलिए दुनिया में बताया है कि एक स्टोरी है, उसने ना आंखें फोड़ दी सूरदास ने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी। एक्चुअली क्या था, वो पानी लेने गया, उसको प्यास लगी थी, ही वॉज अ सेंट सॉर्ट ऑफ, छोटा था फकीर था, तो पानी लेने गया, तो पानी पिलाते पिलाते वो जो पानी पिला रही थी जिस कुटिया में गया, वो बहन के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी, थोड़ा वो इम्प्रेस हो गया और फिर वो पानी पी के गया, फिर उसको वो चिंतन आने लगा उसके बारे में। देन ही सेज कि ये तो, एंड बिकॉज एज इट इज ही वॉज अ सेज, तो उसको लगा ये तो मैंने गलती की, और उसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया, और तो फिर उसने आंखें फोड़ दी कि ये मैं क्या गलत कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। तो एक्चुअली कोई ऐसे होता नहीं है कि आंखें फोड़े, बाबा कहते हैं ये बाबा एक एग्जाम्पल है कि विकार आंख से आता है ना, अट्रैक्शन ये आंख वाला, ये विकार आंख से आता है, इसलिए क्रिमिनल आईज नहीं होनी चाहिए, इसको बाबा क्रिमिनल आईज कहते हैं। इसलिए आप देखो, आप बीकेज में आते हो, आई डोंट नो यू बट आई थिंक सो मोस्ट ऑफ देम जो बहनों को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है बहनों की, क्या लगता है आपको, आंखें, ड्रेस है और आंखें है, कि कितनी शीतल आंखें है उनकी, क्योंकि जो आंखें सोल को देखती है किसी पर अट्रैक्ट या मतलब किसी भी तरह का इस तरह का विकार नहीं होती है, वो बहुत डिवाइन आइज हो जाती है। एंड एवरी वन ऑफ अस हैज दैट डिविनिटी, तो बाबा कहते हैं कि ये आंखें बहुत धोखा देने वाली, इसलिए कहते हैं। तो इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते, तुमको अभी तीसरी आंख मिली है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का, दादा का गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, बच्चों को रूहानी बाप को बाप दादा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है हद बाप के प्रॉपर्टी की, मैं आत्मा मालिक हूँ, आई एम द ओनर। तो जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं, इसी नशे में रहना है। दूसरा है ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं, नेवर लीव ऑन ड्रामा, कर्म अकर्म विकर्म की गति को सदा श्रेष्ठ समझ, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान है सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव, बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती, जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं, माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है।
इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। है हम सबकी अभी, हम की एक बाप दूसरा न कोई है, ये स्टाइल तीसरा न कोई, एक बाप दूसरा नहीं तीसरा न कोई, मैं और बाबा। देखो एक तो मैं किसी के प्यार में नहीं फंसू, और दूसरा है दादी जानकी कहती न मेरे प्यार में कोई फंसे, न मैं किसी से आकर्षित हूं न मुझे कोई मेरे पर आकर्षित हो। Why people should not be attracted towards me? They can be inspired, not impressed. मतलब not just attracted. They can be inspired. Inspired मतलब मैं भी वैसे करूंगी. Not attracted. क्यों? क्योंकि it's like a pull. Attraction is like a pull. So if people are attracted towards me, so they are pulling me. और अगर मैं वीक हूं तो क्या हो जाएगा, आई विल बी कैरिड अवे। कोई मुझे खींचे, मैं सोफे पर अच्छे, मेरे में ताकत नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए नाइदर आई बी अट्रैक्टेड नॉट पीपल बी अट्रैक्टेड, ये इंस्पायर्ड हो। वो अट्रैक्ट हुए बाबा के साथ, ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, उनका बाबा के साथ कनेक्शन, ये हमें ध्यान रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो दुनिया में तो सोचते हैं कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हो, वहां सारा इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं कि नहीं करना है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करना ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ठीक है, ओके, ओम शांति। और बाकी गुलाब भाई, बाकी पॉइंट बताओ। बाकी सैटरडे संडे अगेन स्पेशल होगा, सैटरडे को भी हम एक बहन को बुला रहे हैं अगेन एट द 10:30 क्लास, और संडे को भी, दोनों दिनों का। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की जो विशेषता सुनते हैं तो एक विशेषता आज और सुनिए। दादियां कहती है कि मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देती थी, सदा उस माँ बाप के ओर इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी, जो निर्भयता भी उतनी थी। अम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किसी से, किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। और मम्मा कहती थी कि हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हमें डर क्यों? तो मम्मा में ये बहुत अच्छी विशेषता थी, जो सदा निर्भयता का गुण खास है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने ब्यूटीफुल और सिंपल वे से 5000 वर्ष का ड्रामा का राज समझाया। हमें और भी समझाया कि कैसे ये युग 50-50 में बटा हुआ है, 50-50% में, जिसमें सुख 50% और दुख 50%, 5000 साल में। सतयुग त्रेता युग में सुख 2500 साल, और द्वापर कलयुग सुख 5500 साल। तो सुख और दुख का ये खेल है जो 5000 साल में 50-50 बटा हुआ है। आपने ये भी समझाया कि हमें कैसे न्यारा और प्यारा बनना है। आपने आगे बताया कि मुरली से ये भी समझाया कि कैसे मुझे आत्मा और शिव बाबा के बीच किसी तीसरे की याद की आने की मार्जिन भी शिव बाबा की परमिशन नहीं है, बस मैं और मेरा शिव बाबा, तीसरा ना कोई। ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा,
और आज का मुरलिका द्वारा लिया गया मैनेजमेंट टिप्स भी सुनिए। सर्व खजानों की चाबी है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व खजानों की चाबी है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। द की टू ऑब्टेन कंप्लीट ट्रेजर इज ओनली शिव बाबा। द की टू गेन कंप्लीट ट्रेजर इज ओनली शिव बाबा। रिमेन माइन एंड नो वन एल्स। थैंक यू सो मच दीदी जो स्टाफ में जो आए हैं वो भी उनको सबको धन्यवाद जो पार्टिसिपेट किया है। ओम शांति। अब दीदी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।